तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं एक डायमंड सेक्टर के स्टॉक की, ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक की, दैट इज़ दीप डायमंड इंडिया। दोस्तों, इस स्टॉक में आज तेजी है। आज मार्केट में तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव ट्रेंड है, प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये जो स्टॉक है पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। इस स्टॉक में आप देख सकते हो 0.67% की रैली है। करंटली ये स्टॉक 5.99 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसके भी फंडामेंटल वैल्यूएशन जानने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल चार्ट भी स्टडी कर लेते हैं। एंड तक जरूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुने। नए आए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, पहले लास्ट वन वीक का डाटा देखो। लास्ट वन वीक में ये जो स्टॉक है पॉजिटिव मोमेंटम शो करता दिखाई दे रहा है, अच्छी रैली हो रही है। यदि वन मंथ का चार्ट पैटर्न देखो, पहले इस स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही थी, लेकिन बॉटम फॉर्मेशन के बाद कुछ रिवर्सल भी हुई है, जैसे हमने आपको 5 डे के चार्ट में दिखाया है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है बहुत ही बड़ी गिरावट शो कर चुका है, इसमें बहुत ही बड़ी गिरावट भी पहले हो चुकी है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब वैल्यूएशंस क्या कह रही हैं वो जरूर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक को वैल्यूएशंस के हिसाब से ही मूव करता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे लास्ट वन ईयर में ये स्टॉक बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, कभी बहुत ही तेज़ी से रैली करता है, कभी गिरावट भी होती है। सबसे पहले इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ही समझ लेते हैं। लास्ट वन वीक की फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखो, पहले मार्च 22 से लेकर सितंबर 22 तक इसके रेवेन्यू में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला, फिर दिसंबर में सडनली डाउनफॉल आ गया इसके जो रेवेन्यू में, लेकिन दिसंबर के मुकाबले फिर मार्च 23 में जो रिकवरी है वो देखने को मिल गई है। अब देखना होगा कि जून क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि यदि कंपनी के नंबर सही रहे तो फिर ये स्टॉक अच्छी रिवर्सल शो कर सकता है और अपने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो प्रॉपर्टी का डाटा भी सिमिलर टाइप का है। देखो, पहले सारा कुछ ठीक चल रहा था, मार्च 22 से लेकर दिसंबर 22 तक सारा कुछ ठीक चल रहा था, कंपनी अच्छे प्रॉफिट में थी। लेकिन यहाँ पे देखो, मार्च 23 में खेल बिगड़ चुका है और कंपनी प्रॉफिट से निकलकर लॉस में चली गई है। नियरली आप कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस है, एक माइनर लॉस हुआ है, 0.02 करोड़ का लॉस है। तो यही दिक्कत अभी इस स्टॉक में चल रही है। अब एक एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि दोस्तों आगे फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहा है, तो डायमंड एंड ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसलिए एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में जरूर अच्छी रिकवरी शो करता आपको दिखाई देगा। अब यदि इसके फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन देखें, ROE परसेंटेज 11% से ऊपर है, अच्छी वैल्यू दिख रही है, मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स क्वाइट स्ट्रांग हैं। क्योंकि 10% से ऊपर डबल डिजिट में कंपनी की जो ROE परसेंटेज है वो दिख रही है, और जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लो अब 17 की हो गई है। क्योंकि दोस्तों, एक टाइम पे ये स्टॉक बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चला गया था, लेकिन अब गिरावट के बाद इसकी वैल्यूएशन भी सही होती दिखाई दे रही है। ऊपर से प्राइस टू बुक रेशियो भी 1.94 की है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी लो है, तो फंडामेंटल्स आर लुकिंग क्वाइट डिसेंट। तो अब अर्निंग का डाटा देख लो, कंपनी की जो PE मल्टीपल्स देख लो और ROE परसेंटेज देख लो, लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल जरूर स्ट्रांग है। क्योंकि दोस्तों, ये जो कंपनी है ना, ये आप कह सकते हो कि सीजनल जो बिजनेस होता है ये डायमंड एंड ज्वेलरी का, जब सीजन होता है तो इसके नंबर्स भी सही आते हैं, लेकिन आउट ऑफ सीजन इस कंपनी के नंबर्स भी नेगेटिव ही आ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर भी अपना माल जो है वो यहाँ पे सेल करते हैं। जून 22 में प्रमोटर के पास 35% का स्टेक था, लेकिन सितंबर 22 में सडनली प्रमोटर ने अपना स्टेक कम कर दिया है और जो आप कह सकते हो रिटेलर है उनका जो स्टेक है बढ़ गया है। लेकिन अब आप देखो आगे क्या हो रहा है। आगे अब फिर जो प्रमोटर्स हैं वो खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या हुआ, जब ये स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे चला गया तो प्रमोटर ने भी हाई वैल्यूएशन पे अपना जो माल है वो बेचना शुरू कर दिया। लेकिन सितंबर 22 के बाद देखो, जो प्रमोटर हैं उनका स्टेक फिर कम बढ़ना शुरू हो गया और रिटेलर का स्टेक जो है वो कम होना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब पहले सितंबर 22 का डाटा देख लो, सितंबर 22 में जो प्रमोटर थे 0.13% का स्टेक होल्ड कर रहे थे, लेकिन अब देखो जून 23 में अब क्या है, जो FIIs हैं उनका स्टेक 1.04% का दिखाई दे रहा है, मतलब अब FII जो है वो बाई करते दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक में। क्योंकि दोस्तों, इस स्टॉक की वैल्यूएशन भी सही हो गई है, फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, आगे सीजन आ रहा है, तो इसलिए
अब प्रमोटर एंड जो वहाँ के जो दूसरे होते हैं FIIs, वो इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और रिटेलर क्या करेगा, वो परेशान होकर इस स्टॉक को छोड़ देगा। तो अभी पैसा कमाने का मौका है दोस्तों इस स्टॉक में, प्रमोटर के पास बहुत ही कम स्टेक है। आगे प्रमोटर भी इस कंपनी में माल खरीद सकते हैं, लेकिन FIIs का स्टेक इस कंपनी में अब बढ़ रहा है, ये आपको नोट करके चलना चाहिए। थैंक्स के दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक्स के